अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी, कीमा आलू मटर की, जो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। चले फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग को बहुत पसंद आएगा और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी को। तो चले फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। चले फिर बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 आलू ले लिए हैं, इसको मैंने छील के अच्छे से कट कर लिया है, उनको पानी में भिगोकर रख दिए हैं। और इधर मैंने 3 टमाटर ले लिए, उसको इस शेप में कट कर लिया है, और 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिया है। और इधर 300 ग्राम मैंने जो है कीमा ले लिया है, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके इसका पानी निकाल दिया है। और इधर मैंने सारे पाउडर मसाले ले लिए, 1.5 टेबल स्पून धनिया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, और 1/2 टेबल स्पून मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून नमक। इधर मैंने 1/2 बॉल मटर ले लिया है, इधर मैंने लहसुन प्याज है, और इसी में मैंने गरम मसाला भी पीस लिया है। गरम मसाला हमारा 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है, और 4-5 लौंग हैं, 6-7 काली मिर्चें हैं, और 1 बड़ी इलायची है। दोनों को मैंने साथ में पीस लिया, आप चाहो अलग भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें कीमा डाल दिया है, उसको ढक दिया क्योंकि छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, तो इसलिए इसको थोड़ी देर ढक देंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कीमा भून लिया है, 2-3 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो सब निकल जाए। और अब जो ये पिसा था मसाला, ये सब डाल देंगे इसमें, और इसको डाल के थोड़ा भून लेंगे। और इसी पॉइंट पर मैं इसमें अपने सारे पाउडर मसाले भी डाल दूंगी, पाउडर मसाले और ये जो पिसा था, ये दोनों को साथ में ही भूनेंगे। सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे तो इसको भी डाल देंगे। आप चाहो इस पॉइंट पर पानी डाल दो, चाहो तो मत डालो, ऐसे ही भून लो। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन रहा है, थोड़ा सा भुन गया है अभी, इसमें पानी बाकी है थोड़ा सा, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो बस जितना मसाला है अभी इसको और भूनना है, जब तक चटक नहीं जाए खूब। तो यहाँ पर मसाला हमारा भुन गया है थोड़ा, और अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दे रही हूँ ताकि मसाला भी एक साथ टमाटर भुन जाए, क्योंकि बहुत अच्छे टेस्ट इसका आता है मसाले के साथ टमाटरों का। तो यहाँ टमाटर 2-3 मिनट तक भुन चुके हैं खूब अच्छे से, और ये थोड़े थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब मसाला तो हमारा भुन ही रहा है, अब इसी पॉइंट पर मैं इसमें मटर भी डाल दूंगी। मटर को भी डाल के इसके साथ अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा साथ में इसको पका लेंगे मटर को टमाटरों के साथ। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से अब भुना है, खूब अच्छे से चटक गया है, और ऑयल भी ऊपर आ गया है, देख लिए हैं आप लोग कितना अच्छा भुना है हमारा मसाला। तो ये इस पॉइंट पर अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, आलू का पानी मैंने निकाल दिया था, और अब इस पर मैं 1 गिलास पानी डालूंगी, और इसमें 1 या 2 सीटियाँ दे लें। वैसे मैं 2 सीटियाँ दूँगी क्योंकि आलू थोड़े बड़े हैं, तो 2 सीटियाँ इसमें ले लेंगे। और अब मैं इसका प्रेशर बना दूँगी, तो प्रेशर बना के इसमें 2 सीटियाँ आराम से ले लेंगे। और मैं इसमें मिर्ची डालना भूल गई थी, मैंने फिर से इसको ओपन कराया, तो फिर से इसमें सीटी लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी सीटी कंप्लीट हो गई है, और इसका प्रेशर भी देख के खुद से रिलीज़ हो गया है। तो बस अब इसको करते हैं ओपन। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है, और इसमें अभी थोड़ा पानी है, तो इसका पानी को ड्राई कर लेंगे। और मैंने आलूओं को भी चेक कर लिया, आलू भी हमारे गल गए हैं। तो यहाँ पर देखें पानी इसका सारा ड्राई हो चुका है, और ऑयल भी ऊपर आ गया है, बहुत अच्छे से सब भुन चुका है। तो सालन बनकर हमारा रेडी हो गया है। तो बस अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ, ये देखें ऑयल कितना ऊपर इसके आ गया है। तो बस यहाँ पर हमारा कीमा आलू मटर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, कितना मज़े का लगता है देखने में, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऊपर से मैं थोड़ा इसमें हरा धनिया डाले दे रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है सालन में हरे धनिया का टेस्ट। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी, और बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी, बहुत ही झटपट, देखा ना कितनी जल्दी बनकर रेडी हो गई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलती हूँ इंशाल्लाह, कल मिलती हूँ एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना खूब ख्याल रखिएगा, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगी, आपके घर में सबको। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।